कल्पना जी ये पकड़ो ना बेटा, आओ इसमें आ जाते हैं, हाथ लगा लो, हो गया मिट्टी में तो ये इसमें देखिए यहाँ अपने जन्मदिन पे जामुन लगा रही हैं और ये जामुन इनके साथ ही बड़े होंगे और हम भी अगर साल दो साल में देखेंगे कि पेड़ बन जाएंगे। और ये यहाँ की मदर हैं जो कि इन्होंने अपने बच्चे को संस्कार दिया कि बेटा पेड़ लगाना चाहिए, ऐसे ही हमें भी पेरेंट्स बनना चाहिए। तो आप कुछ बोलेंगे यहाँ के बारे में, कब से यहाँ को इंटरेस्ट हुआ पेड़ पौधे लगाने में? इंटरेस्ट तो सर इसका लास्ट बर्थडे पे इसने अपने पापा से फरमाइश की थी कि पापा मुझे रोज एक पर डे पौधा लगाना है, जो कि इनके फादर के लिए पॉसिबल नहीं था। फिर एक दिन जिद की इन्होंने, तब लास्ट बर्थडे पे पौधे लगाए ढेर सारे, तब से कंटिन्यू इनका इंटरेस्ट रहा कि मुझे प्लांट्स लगाने। जहाँ हम नहीं उठते ना संडे में, ये मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग उठती है और प्लांट्स के लिए चल देती है। तो बस यही कहूँगी कि जो चीज हम लोगों के माइंड में नहीं आई वो बच्चे ने किया है, क्योंकि ये पॉल्यूशन जो ये बढ़ रहा है सभी को हानि पहुंच रही है। कोशिश करें सब लोग एक एक पौधा डालें और पॉल्यूशन को बचें, पॉल्यूशन से अपने आसपास की एटमॉस्फेयर को बचाएं। अच्छा बात बताओ, देखिए देखिए चारों तरफ आप देख रहे हैं रेजिडेंशियल है लेकिन लोगों ने पेड़ नहीं लगा रखा। अभी मैंने कहा अंकल जी से कि पीपल लगाना चाहिए, तो अंकल कह रहे हैं पीपल बेकार है, फल नहीं देता। लेकिन पीपल होता है 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और इसका केयर हमें कम करना पड़ता है और ये जल्दी बड़ा हो जाता है और इसको पानी ना डाले फिर भी पीपल हरा भरा रहता है। तो हमें सबसे कहना है कि हमें सेल्फिश इंसान, एक स्वार्थी इंसान है कि फल आएगा तभी वो पेड़ लगाएंगे। तो पेड़, हर पेड़ का कोई ना कोई फायदा होता है, कोई पेड़ बुरा नहीं होता। अब यहाँ पर देखिए बच्चे सारे पेड़ लगा रहे हैं, कोई नहीं आज बर्थडे बर्थडे भी इंजॉय करने दो बच्चे। अरे भगवान ने हम भी आपके चरणों में आगे ढा रखी है भैया, तो याद रहा कि हरी पूजा कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? कल्पना पांडे। आपको कैसा लग रहा पेड़ लगा के? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं सबसे ज्यादा तो खुश इस बात की हूँ कि इतनी छोटी सी बच्ची जिसके अंदर इतने जो है पौधों को लगाने का इतना ज्यादा उसको प्रेरणा जो मिली हुई है और उसको देखकर तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि हम तो ये चाहेंगे कि हर बच्चा यहाँ की तरह बने और उसको जो है अपनी सोसाइटी को लेकर, अपने जो है शहर को लेकर उसको भी लगे कि हाँ हमें भी पौधे लगाने चाहिए। वो इस छोटे से बच्चे को देखकर कम से कम आगे बढ़े, सारे बच्चे बच्चे ही क्या, मैं बड़ों को भी बोलूंगी कि बड़े भी इसको देख करके इस तरह से आगे बढ़े और वो लोग भी जो है देखे कि जब ये छोटा सा बच्चा ही काम कर सकता है तो हम लोगों को तो सबसे ज्यादा, हम लोग बड़े होने के बाद भी ये चीजें नहीं देख पा रहे हैं ढंग से, तो हमें भी ये सब चीजें करनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को सबको धन्यवाद दूंगी कि आप लोगों ने इस अच्छी इतनी अच्छी मुहिम में हम लोगों को भी जोड़ा यहाँ पर और यहाँ को आज बर्थडे की बहुत बहुत बधाई। आपने पहले कभी पेड़ लगाया इससे पहले? बहुत बार लगा चुके हैं हम लोग करते रहते हैं। एक्चुअली हम लोग सारथी सोशल वेलफेयर सोसाइटी से हैं, तो ये हम लोग भी ये सब काम करते ही रहते हैं, बट यहाँ जैसा काम तो अभी हमने नहीं किया है। तो हम साफ साफ हम लोग भी देखे, मिशन 100 करोड़ पेड़ है जिसमें यह भी हमारी एक सदस्य है और पेड़ लगा रही है, तो अच्छा है। हम लोग आप सोशल मीडिया पे आजकल आप लोग देख रहे हैं मिशन 100 करोड़ का एक बहुत बड़ा ये चल रहा है। सर आप भी बताएं इससे पहले आपने पेड़ कहाँ कहाँ लगाया? सर मैं महामंत्री हूँ जागृति विहार मंडल भाजपा से। अच्छा। तो हम लोगों का भी कैंपेन चलता है लेकिन सच्चाई ये है कि यह हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है, उसे देख देख के हमें प्रेरणा मिलती है कि अधिक से अधिक पौधे लगाएं। जो इतनी छोटी सी बच्ची पेड़ लगा रही है उसे देख के हमारे भी, हमने मोती प्रयाग में लगाए हैं, जागृति विहार में लगाए हैं, ये अपना पूरी बेल्ट जो है नाली की उस पर भी पौधे लगाए हमने काफी समय पहले, तो हम लोग भी इसमें लगे ही रहते हैं और बस यहाँ के पीछे पीछे हमें भी एक मौका मिल जाता है ये धर्म का काम करने का। देखिए हम लोग भी सैटरडे संडे आप लोग मॉल में जाते हैं, 500 का मूवी देखते हैं और पॉपकॉर्न खाते हैं 1000 रुपए का, पेड़ 10 रुपए 20 रुपए का भी मिल जाएगा। छोटे बच्चे हैं तो अपने जेब खर्च से, और हम अगर प्रोफेशनल हैं तो अपने कहते हैं कि इनकम का अगर 10% भी हम अपने वातावरण के प्रति जागरूक होंगे तो अच्छी बात होगी। और ये लोग आके जो देखिए लोग इतना सब मेहनत कर रहे हैं धूप में, अब यही पेड़ अगर बड़े हो जाएंगे तो कल हम आकर देखेंगे कि यहाँ पार्क अगर सुंदर हरा भरा बन जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल सही बात है जी, आगे वाले आने वाले बच्चों के लिए फायदेमंद रहेगा, छाया मिलेगी, फल मिलेंगे, जो पहले हम बचपन में खाया करते थे, बागों में जाया करते थे आम वगैरह के फल खाने के लिए, वो अब सब खत्म हो चुके हैं। वही विलुप्त, उसी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने कदम उठाया कि अपना बचपन हम याद रखें और हम अपने बच्चों को बताएं कि हमारा बचपन ऐसा हुआ करता था। और देखिए पेड़ों पर यहाँ से हमें बहुत अच्छी सीख मिल रही है और यह एक मेरठ की सेलिब्रिटी हो गई है जो बहुत अच्छा हर सैटरडे संडे पेड़ टैगलाइन दिया है, दैट एंजल केम फ्रॉम द हेवन। इसको मैंने बहुत सोच समझ के दिया क्योंकि एक 6 साल की बच्चे आज के टाइम में
इवन अगर मैं अपने बचपन को याद करूं, मैंने पौधे सच बताऊं मैंने तोड़े हैं लगाने से ज्यादा, बट इसको देख के इतना लगता है कि यार मतलब हमें भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि हमारी जनरेशन इंडस्ट्रीज बना रही है, हमारी जनरेशन इन चीजों को काट रही है, उनको ये नहीं पता कि इन चीज को हटा के हमें ही आगे चल के नुकसान होने वाला है। बहुत बहुत, तो ये बहुत हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है और मुझे अच्छा लग रहा है इसको। आप भी मिशन 100 करोड़ पेड़ से जुड़िए, हमारा अच्छा सोशल मीडिया पे है और आप अपने ग्रुप में हर संडे को आप कहीं मॉल जाती हैं, कहीं घूमने वहाँ मत जाके कुछ पेड़ लगाए, जो भी इंटरटेनमेंट करती है करिए, महीने में कम लेकिन पेड़ों के प्रति। आप किस चीज में से हैं? मिशन 100 करोड़ पेड़ देखा होगा।